हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित अमेश प्रोटेक्ट आप लोग स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्या हुआ एक ऐसे ही बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया साबित हो सकता है। तो अगर आप कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर बाय करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आप जान सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी एक आइडिया हो सके जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट स्पीकर बाय कर सकें। इस स्पीकर का हम डिटेल में बात करेंगे, साउंड क्वालिटी से लेकर बेस क्वालिटी और बाकी इसमें क्या क्या फंक्शंस आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आप इस स्पीकर के बारे में अच्छी तरह जान सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हमारे चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप किसी तरह नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर आप देखें तो MZ की यहाँ ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, बाकी यहाँ पर वी बिलीव इन क्वालिटी यहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाता है। तो देखते हैं कितना क्वालिटी इसका बेटर है। बाकी अगर यहाँ पर आप बॉक्स पर देखें तो इसके अंदर आपको FM मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, वायरलेस मतलब ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही पेन ड्राइव लगा सकते हैं और ऑक्स कनेक्टिविटी भी दिया है तो वायर के थ्रू भी आप बजा सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 4 आवर्स तक का प्लेइंग टाइम ये प्रोवाइड करता है इसका, तो प्लेइंग टाइम के मामले में थोड़ा कम मुझे लगा। बाकी यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा KT126, इसका मॉडल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह ये यहाँ पर बताया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर आपको और भी कलर्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये स्पीकर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो USB केबल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, नॉर्मल माइक्रो USB केबल दिया हुआ है चार्जिंग के लिए। बाकी यहाँ पर फाइनली अगर आप स्पीकर को देखेंगे तो इस तरीके यहाँ पर आपको लोग देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पर आपको बटन देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जो यहाँ पर मोड का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जाता है, पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर प्ले और पॉज का बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस का बटन देखने को मिल जाएगा जिससे आप प्रीवियस सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, बाकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा इस हिसाब कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मोड बटन मिल जाता है जिससे आप FM मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं और ब्लूटूथ मोड और ऑक्स मोड। बाकी यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है जिससे आप इस स्पीकर को कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं इजीली, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैरी करने के लिए यहाँ पर एक हैंडल आपको देखने को मिल जाता है जो अच्छी बात है। और यही नहीं, यहाँ पर आपको एक स्टैंड मिल जाता है जिसके अंदर आप मोबाइल लगा सकते हैं, तो इसके अंदर आप इजीली मोबाइल लगाकर मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाएगा, MZ की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऊपर। बाकी अगर यहाँ पूरा मिलिट्री लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो लुक में तो बहुत बढ़िया ये स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर MZ का यहाँ पर ब्रांडिंग आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वूफर देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर अगर इसकी प्लेइंग टाइम की बात करें तो यहाँ 4 आवर्स तक का इसका प्लेइंग टाइम यहाँ प्रोवाइड करता है, साथ ही यहाँ पर 1 आवर्स में ये फुल डिचार्ज हो जाता है स्पीकर ईजिली, और यहाँ पर 1200 mAh की इसकी बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है। अब यहाँ पर जो मेन है वो साउंड क्वालिटी होता है, तो यहाँ पर अभी हम साउंड क्वालिटी इसका चेक करेंगे। तो साउंड क्वालिटी की अब देखने के बाद मैं इसका रिव्यू आगे बताऊंगा कि साउंड क्वालिटी इसका कैसा है और बेस क्वालिटी कैसा है। सबसे पहले यहाँ पर हम स्पीकर ऑन करते हैं, तो स्पीकर ऑन करने के लिए यहाँ पर नाउ प्रेस करके आपको Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये स्पीकर ऑन हो गया, और देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट यहाँ पर जलने लगा है 4 बटन में 5 बटन में, जो इसका लुक यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा देता है, जो इस स्पीकर थोड़ा सा लुक अच्छा बना देता है। तो अभी हम बिना देरी के चलिए इसे अपने मोबाइल कनेक्ट करते हैं और इसके साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पीकर को कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर अभी हम इसके साउंड क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम इसे प्ले करते हैं, I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the page, but I didn't like their way. Had to beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Because everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? तो अगर यहाँ पर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी जो यहाँ पर आपको मिलता है इसका साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया मुझे लगा, लाउड साउंड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है, आवाज़ तो बहुत ज़्यादा तेज़ इसमें मिल जाती है आपको। और बेस की बात करें तो बेस की यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिल जाता है, बट यहाँ पर उतना ज़्यादा आप फील नहीं कर सकते बेस को, बट यहाँ पर आपको बेस यहाँ पर मिलता है जो थोड़ा मीडियम टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस स्पीकर में, बट ठीक ठाक मुझे लगा जिस प्राइस में ये स्पीकर अवेलेबल है मार्केट में। तो ये स्पीकर अगर बात करें प्राइस के हिसाब से तो ये मार्केट में आपको यहाँ पर लगभग 500 से 600 रुपये में आराम से मिल जाता है, और अगर आप स्ट्रीट वगैरह पे यहाँ पर सर्च करेंगे ये स्पीकर तो हो सकता है आपको और भी कम प्राइस में मिल जाए।
तो आप इस स्पीकर को बाय कर सकते हैं। एक कम बजट में कोई स्पीकर बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं बीजी से। तो अगर आप ये स्पीकर बाय करना चाहते हैं आप लंडी स्टूडेंट मिल जाएगा वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डाउट वगैरह है स्पीकर को लेकर तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। बाकी आपके कॉन्टेक्ट कोई ऐसा है जो स्पीकर बाय करने के बारे में सोच रहा तो आप इसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उसे एक आइडिया हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आज की वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।